वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे लगा रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो आप अच्छे तरीके से आज वीडियो देख लीजिएगा, आपका चुका था चुकी थी चुके थे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप भूल जाओगे। अच्छा, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नहीं पता है तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने अपलोड किया है वो क्या है मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो मैंने अब टेंस की टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, और टेंस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टॉपिक, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। ये आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अगर आपने ये सुना है कि वाक्य के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे लगा रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो आप अच्छे तरीके से आज इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका चुका था चुकी थी चुके थे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो चुका था चुकी थी चुके थे जो आता है ना, ये सिंबल नहीं होता कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, ये एक समझ लीजिए ये डिपेंडेंट टेंस है, मतलब ये सिंगल एक्शन को कभी एक्सप्रेस नहीं करता। वाक्य में अगर डबल एक्शन का सेंस हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर वाक्य में सिंगल एक्शन का सेंस होता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर ये कह दूँ कि मैं वहाँ जा चुका था, तो मैं वहाँ जा चुका था ये कहने का सेंस जो है इसमें सिर्फ सिंगल एक्शन का सेंस है, इसमें जो है कोई डबल एक्शन नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं वहाँ पहले ही जा चुका था तो इसमें डबल एक्शन का सेंस निकलेगा। कैसे? मैं पहले ही जा चुका था इसका मतलब अब दोबारा जाना है या नहीं जाना है, ये एक सेंस इसमें निकल कर के आ रहा है। लेकिन मैं वहाँ जा चुका था सिर्फ इतना कह दूँ तो इसमें जो है आपको सिंगल एक्शन ही मिलेगा। तो आई वेंट देयर, मैं वहाँ जा चुका था, लेकिन पहले ही जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी बीन देयर। अब ये आई हैड ऑलरेडी बीन देयर क्यों होगा, आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर क्यों नहीं होगा? ये जो गॉन और बीन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि बहुत समझदार लोग भी जो है इसकी गलती इसमें गलती कर जाते हैं। गॉन का मतलब ये होता है कि जा करके रुकना। अगर मुझसे कोई ये पूछे, सपोज करिए मुझसे ये पूछे आपके भैया कहाँ गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो प्रयागराज गए हैं, तो ही हैज़ गॉन टू प्रयागराज। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि आप प्रयागराज जा चुके हैं, हम कहें हाँ बिल्कुल जा चुका हूँ, तो जा चुका हूँ मतलब जा करके मैं वापस आ चुका हूँ, तो आई हैव बीन टू प्रयागराज, ये नहीं कहेंगे आई हैव गॉन टू प्रयागराज, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आई हैव बीन टू प्रयागराज का मतलब मैं प्रयागराज जा चुका हूँ, इसका मतलब मैं अब प्रयागराज में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ, अपने घर से बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जहाँ पर होंगी, जा करके वापस आने का जहाँ पर सेंस होता है वहाँ पर बीन लगता है, लेकिन जा करके वहाँ रुकने का जब सेंस आ जाता है तो वहाँ गॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई हैड ऑलरेडी बीन देयर, इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि मैं वहाँ पहले ही जा चुका। ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से जैसे मैं ये कह दूँ कि मैंने खाना खा लिया था, अब लिया था, ये भी आप कहेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई एट माई लंच, आई एट माई डिनर, जो भी रहेगा, मैं खाना खा लिया था। तो ये चीज़ें जो है जहाँ पर भी आ जाए सिंगल एक्शन अगर है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं होगा। चुका था चुकी थी कहीं भी लिखा रहे, अगर वो सिंगल एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। लेकिन जब भी सेंटेंस में डबल एक्शन का सेंस आ जाए, अक्सर आप सुनते हैं ना कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये जो सुनते हैं तो इसमें दो एक्शन हो रहे हैं ना, तो इसमें जो एक्शन पहले होगा वो होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा एक्शन होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके बाद जो है हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एक तो ये लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
नेगेटिव बनाना हो तो ये मेन वर्ब से पहले ही नॉट का यूज कर दीजिए तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का जब सेंस आ जाए तो समझ लीजिए ये क्या है, ये है इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ये है, इंटेरोगेटिव में इस तरह से आ जाएगा। और इसमें भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले नॉट ऐड कर दीजिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। फिर डब्ल्यू एच, बार बार बताया हूँ कि डब्ल्यू एच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हु हुम हूज व्हेन वेयर व्हाई, ये सब जो भी होते हैं ये सब डब्ल्यू एच होते हैं। तो ये जो है डब्ल्यू एच आ जाए तो उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वी थ्री आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ये सेंटेंस आ जाए कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था, तो अब इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ये ऑलरेडी वर्ड जो है इसके साथ चलेगा। अगर ये सिंगल मतलब इस तरह का सेंटेंस है, ठीक है, कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है तो इसके साथ आपको ऑलरेडी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में डबल एक्शन का सेंस होना चाहिए। तो मैंने पहले ही खाना खा लिया था, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, ठीक है, या आई हैड ऑलरेडी हैड फूड। तो ये चीज़ें होती हैं, तो पहले ही का सेंस। अब यहाँ पर आ जाए, मैंने इसके पहले कोई फिल्म नहीं देखी थी, तो आई हैड Not seen any movie before this. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है मैं अब दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें जहाँ पर हो जाए वहाँ पर जो है हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसमें जब भी डबल एक्शन का सेंस आ जाए, जैसे आप सुनते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या कहते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये डबल एक्शन हो गया। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक्शन पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो और उसी समय तक जारी रहा हो। तो इसमें ये कंडीशन होती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने जो चीज़ों को पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने कहा मैं आपको 2 साल से जानता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको 2 साल से जानता हूँ, तो मैं कहता कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता, तो उनका इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है और उनका परफेक्ट टेंस में यूज होता है, उनका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं होता। तो वो वर्ब कौन कौन से हैं ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया हुआ है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करते रहा करिए, चीज़ों को बताएंगे कि और भी चीज़ें आपको क्या पढ़नी है, तो उसमें मैं और भी चीज़ों को जो है ऐड कर दूंगा, आपके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें दूंगा, क्योंकि ये तो मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई जो है वो नहीं है कि मैं अपने मन से जो मन में आएगा वो करता जाऊंगा, इस तरह का नहीं है। आप जो बताएंगे कि आपके लिए जो रेलिवेंट हो, और भी चीज़ों को मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक्शन पास्ट टाइम में जारी रहा हो, जैसे हम ये कह दें कि वह बचपन से नटखट था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड, ठीक, बचपन से नटखट था, मैं उसे 10 साल से जानता था, तो आई हैड नॉन हिम फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से जो है आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर एक चीज़ आप ये अच्छे तरीके समझ लीजिएगा, ये जो सेंस आता आया और जो आप ये मैंने कहा कि आई हैड नॉन हिम फॉर 10 ईयर्स, तो ये जो फॉर आया अब ये दिमाग में चल रहा होगा, या हैड बीन आ गया तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये सारी चीज़ों को के बारे में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये आ गया कि पास्ट टाइम के 2 कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो लेटर कंप्लीटेड एक्शन होगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, अरे ये क्या हो गया, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वैसे अगर रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था ये भी कहेंगे तो बात एक ही है कि द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम, और अगर आप डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था ये कहेंगे तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जो कंप्लीटेड एक्शन फर्स्ट है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसका मतलब क्या है कि रोगी मरा कब,
पहले, डॉक्टर आया बाद में। तो ये एक्शन दोनों कंप्लीट है, डॉक्टर आया भी, ये भी एक एक्शन कंप्लीट हुआ, और रोगी मरा, तो दोनों कंप्लीटेड एक्शन है। तो जो पहले कंप्लीट हो जाए उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज कर दीजिए, और जो बाद में कंप्लीट हो जाए उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दीजिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जिंदगी भर यही होता है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी आ जाए, जैसे मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, तो इस तरह का जो है सेंस आता है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, इससे ज़्यादा और कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और इस पर जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।